Rahim, Assalamualaikum, dear students. I welcome you all in today's online session. The topic we are going to discuss today is Avogadro's number and molar volume. You can see uh, this is actually outline number three: Avogadro's number stoichiometry calculations. So basically, we are going to discuss Avogadro's number today, and onwards we will discuss in detail the stoichiometric calculations. सो यू शूड नो दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर एवरी थिंग इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट फोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स एटम्स फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऐटम्स मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल वाटर मालिक्यूल एंड दैन आइन्ज एंड फार्मूला यूनिट्स सो आई हैव एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन द प्रीवियस लैक्चर दैट वैन यू टॉक अबाउट एलिमेंट्स यू टॉक अबाउट ऐटम्स वैन यू टॉक अबाउट कंपाउंड आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं एंड then there are ions and when you talk about ionic compounds you talk about formula units so these are the things that i have already explained in the previous lectures so and the examples are uh, explained over here now talking about the masses when you talk about the mass of an atom you express it in atomic mass unit when you express the mass of a molecule you express it in grams per mole एंड देन अगेन आयंस का मैस भी ग्राम्स पर मोल में रिप्रजेंट होता है और फार्मूला यूनिट्स के लिए मोर कन्वीनियंटली जो आप यूज करते हैं यूनिट दैट इज़ अटोमिक मैस यूनिट नाउ द कॉन्सेप्ट डेट आई आई कन्वेट यू इन द लास्ट टू लेक्चर इज दैट वैन यू एक्सप्रेस द मैसेज ऑफ एटम्स मालिक्यूल आयंस आर फार्मूला यूनिट इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ अटोमिक मैस यूनिट एंड ग्राम्स पर मोल दैन दो वैल्यूज विल भी इक्वल टू वन मोल तो किसी भी पार्टिकल के ओरिजिनल मैस को जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स वन मोल सो हेयर इज अ डायग्राम दटोमिक सॉरी हेयर इज अ डेफिनेशन द अटोमिक मैस मलेक्युलर मैस आयनिक मैस एंड फॉर्मुला मैस ऑफ अबस्टांस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज टर्म्ड एज वन मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्टांस नो डियर स्टूडेंट्स अवर टुडेज टॉपिक इज एवर गैट नंबर दिट इज दट इज़ वेरी मच रेलवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल द नंबर ऑफ एटम्स आइंस आर मालिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अब्सटांस इज़ कॉल्ड अवर गैटर इट्स मेरिकल वैल्यूज सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टैन ट्वेंटी थ्री एंड इट सिम्बल इज एन ए ए इज़ ऑल्सो कैपिटल लेटर बट आप इसको बेस पर लिखते हैं अच्छा फर्स्ट ऑफ आल यू शुड थिंक कि वेन यू गो टू बाई अ फ्रूट तो आप कहते हैं कि वन डज़न बनाना टू वन डजन बनाना सुनकर एक दर्जन बनाना सुनकर एक दर्जन केले सुनकर आपके जहन में जो फिगर आता है दैट इज़ ट्वेल्व बिकॉज यू नो कि एक दर्जन की जब आप बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट ट्वेल्व पीसीज ऑफ दैट थिंग ट्वेल्व पीसीज ऑफ दैट फ्रूट आप अगर वन डजन एक्स की बात करते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट ट्वेल्व एक्स तो वह एक फिगर आपके जहन में आ जाती है तो इसी तरीके से अगर मैं आपको कहती हूँ कि वन मोल मोल इज़ ऑल्सो इज़ ऑल्सो यू नो यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन आई यू कैन से इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ समथिंग तो आप ये भी किसी चीज़ को रिप्रजेंट करने का एक जो है वो तरीका है तो अगर जब मैं एक मोल की बात करती हूँ तो यू शुड नो कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वन मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स तो आपके जिन में आना चाहिए कि जैसे वन डजन एग को सुन के आपके जिन में बारह अंडे आ जाते हैं सो so, इफ़ आईम टॉकिंग अबाउट वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो आपके जहन में कौन सी फिगर आनी चाहिए वन मोल से तो एक मोल किसी भी चीज़ का हो बेटा उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन रेस्ट बाइ ट्वेंटी थ्री फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो उसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन डेज टू पर ट्वेंटी थ्री हाइड्रजन एटम्स होंगे इफ़ आई एम टोकिंग अबाउट वन मोल आयन्स तो उसमें सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन डेज टू पर ट्वेंटी थ्री आयन्स होंगे एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मूला यूनिट्स लाइक एन ए सी एल तो उसमें वन मोल फार्मूला यूनिट्स मीस सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेज टू पर ट्वेंटी थ्री फार्मूला यूनिट्स मीन्स एन ए सी एल सो so, आप किसी भी चीज के जब एक मोल की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टू पर ट्वेंटी थ्री एंड सिंबल इज एन ए और यू कैन से वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेनिस्ट पर ट्वेंटी थ्री सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फिकर ऑफ्टर दैट लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स लेट्स पोज आई एम अबाउट हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम का ओरिजिनल मैस होता है वन ए एम यू मैस यूनिट वेन यू एक्सप्रेस इट इन ग्राम मीन्स वन ग्राम देन इट विल बी इक्वल टू इट्स वन मोल एंड इट मीन्स इट विल कंटेन सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू पर ट्वेंटी थ्री इफ वी आई टॉक अबाउट वाटर देन मोलर मैस वाटर इज एटीन ग्राम पर मोल

नो मूविंग ऑनवर्ड देर इज देर is another वेरी important कॉन्सेप्ट that इज मोलर volume. मोलर means इट कम्स from अ वर्ड मोल एंड वॉलीम आपको पता है कोई भी स्पेस जो चीज स्पेस ऑक्योपाई करती है तो याद रखें वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट गैसेज एंड यू हैव वन मोल ऑफ एनी गैस किसी भी गैस का अगर आपके पास एक मोल है यानी उसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन डिस्टॉर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स हैं इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट इट 22.414 decimeter cube volume that is termed as molar volume. Just have a look on the definition. One mole of any gas at standard temperature and pressure occupies 22.414 decimeter cube uh, volume, which is termed as molar volume. To आम अल्फाज में कहूँ आसान बा बात करूँ तो किसी भी गैस का एक मोल जो वॉल्यूम ऑक्योपाई करता है उसको आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा होती है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब नाउ द क्वेश्चन कम्स वट इज़ बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर टेम्परेचर इज़ जीरो डिग्री सेल्सियस फॉर गैसेज और एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर फॉर गैसेस इज वन ए एम तो टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर वन ए एम हो तो इन कंडीशंस पर किसी भी गैस का आई एम रिपीटिंग द वर्ड गैस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट गैस तो किसी भी गैस का एक मोल हो इट विल ऑलवेज ऑकुपाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमी दैट इज़ वाई इट इज टर्म्ड एज मोलर वॉल्यूम बिकॉज इट इज़ ऑकुपाइड बाई वन मोल ऑफ अ गैस सो हेयर आर सम एग्जाम्पल लेट्स सपोज यू हैव हाइड्रोजन गैस हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन आइटम आई एम टॉकिंग अबाउट गैस यहाँ पर एक हिंट को याद रख लें कि वेन एवर यू टॉक अबाउट गैस यू ऑलवेज़ टॉक अबाउट मालिक्यूवज बिकॉज गैस इज ऑलवेज एक्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूवस सो देर इज अ हाइड्रोजन मालिक्यूल एक हाइड्रोजन आइटम का मैस अगर वन होता है तो हाइड्रोजन मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन आइटम्स हैं दैट इज वाई द मैस इज टू ग्राम्स पर मोल सो वैन यू एक्सप्रे दिस इज टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आप दो ग्राम्स पर मोल को दो ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू इट्स वन मोल एंड वन मोल विल कंटेन सिक्स पॉइंट जीरो टू इन टेन एज पर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स और किसी भी गैस का एक मोल वो वॉल्यूम कितना को पाई करेगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डायसीमेटर क्यूब सो हेयर इज़ द कम्प्लीट लेआउट जितना आपने अभी तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एंड हेयर इज अ मोलर वॉल्यूम नाउ देर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन मैस ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज सिक्सटीन एंड मैस ऑफ वन ऑक्सीजन मालिक्यूल विल भी थर्टी टू ग्राम्स पर मोल जब आप उसको ग्राम्स पर रिप्रेजेंट करेंगे दैन इट विल भी इक्वल टू इट्स वन मोल इट विल कंटेन सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन इस पर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स एंड दिस गैस विल अगेन ऑक्योपाड ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमेटिक क्यूब वॉल्यूम तो बेटा आप लोग इसको याद रखें कि कोई भी गैस हो वेदर इट इज़ हाइड्रोजन मीथेन ऑक्सीजन साइज बड़े की गैस हो या छोटे मालिक्यूज़ वाली गैस हो अगर आपके पास एक मोल है उस गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इट विल ऑलवेज ऑकोपाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर विच इज़ टर्म एट स्मॉलर वॉलीम एंड हेयर इज अनदर एग्जाम्पल ऑल राइट सो देर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल एक मोल किसी गैस का हो तो वो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑकोपाई करेगा तो अगर दो मोल्स हों तो टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब अगर तीन मोल्स हैं तो थ्री इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब तो उसी प्रपोर्शन से उसी रेशियो से ही बढ़ता जाएगा फॉर एक्जाम्पल अगर एक मोल था तो उसने ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर ऑकोपाई किया एंड इफ़ वी हैव टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैन इट इट विल कंटेन टू इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टैन इज पर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल नंबर ऑफ मालिक्यूल भी डबल हो गए एंड द वॉल ऑकोपाई विलसो है आपको शायद क्लियर ना हो दिस इज रिटन के एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर गैसेज इज जीरो डिग्री सेल्सियस एंड वन एटी एम ना हाउ टू एक्सप्रेस एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोज नंबर दिस इज़ वेरी मच अलाइक जो आपने पीछे पढ़ा कि डिफरेंट आप इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथ और इन टर्म्स ऑफ मालिक्यूल्स एंड मोल्स टूडे आई विल टेल यू दैट हाउ यू विक्सप्रेस एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोज नंबर सो हेर इज़ एन इक्वेशन दैट यू हैव बिन डिस्कसिंग फ्राम लास्ट टू डेज सो इफ If I want to express it in terms of moles, you will write two moles of hydrogen gas will react with one mole of oxygen gas to form two moles of water. And as value for one mole is six point zero two two into ten is per twenty three. So if are two moles, then two into six point zero two into ten is per twenty three uh, molecules of hydrogen will react with six point zero two into ten is per twenty three molecules of oxygen to give two into six point zero two into ten is per twenty three molecules of वाटर इट मीन्स के मोल्स की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें यू विल गेट अ क्लेर नोशन और आप इसको यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो वैल्यू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन एस ट्वेंटी थ्री है आप उसको उसके सिम्बल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। हेर इज एन एक्टिविटी एक्सप्रेस द फॉलोइंग Equation in terms of Avogadros number. So here is an equation again that combustion of propane. So that, uh, uh, hai, So that a paper may you should have a very clear understanding that how to go with the details. So kindly solve the activity and share in the group. Here is the thought of the day: the key to success is to focus on goals and not on obstacles. Thank you so much. That's all for today. Stay blessed, stay safe.